हाय, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न गोल ऑफ मैक प्रोटोकॉल। जो हम इश्यू ऑफ प्रोटोकॉल लर्न किए थे उससे काफ़ी सिमिलर है आपका गोल ऑफ मैक प्रोटोकॉल, क्योंकि जो प्रोटोकॉल हम डिज़ाइन करेंगे मैक प्रोटोकॉल फॉर एडहॉक नेटवर्क के लिए, उसका गोल क्या होना चाहिए, क्या उस प्रोटोकॉल का अचीवमेंट्स होना चाहिए उस एडहॉक नेटवर्क में। तो फर्स्ट गोल है कि क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एडहॉक नेटवर्क में जो है बैंडविड्थ काफ़ी लिमिटेड होती है, और आपको उसको प्रॉपरली आप यूज़ कर सके ताकि अच्छी सर्विस आपको उस एडहॉक नेटवर्क पे मिल सके। तो सर्विस की मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन। तो अवेलेबल बैंडविड्थ मस्ट बी यूटिलाइज एफिशिएंटली। सेकेंड है मस्ट प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो मस्ट प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस तभी हो सकता है जब आप उसमें कोई भी डेटा, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो और टेक्स्ट हो, प्रॉपरली सेंडर टू रिसीवर वो रिसीव हो सके। ठीक है, सेंडर टू रिसीवर प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके, तब क्वालिटी ऑफ सर्विस आपका बेटर होगा। ऑपरेशन ऑफ प्रोटोकॉल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आपको पता है एडहॉक नेटवर्क काफ़ी डायनेमिक टोपोलॉजी होती है, काफ़ी चेंज होता है, कोई सेंट्रलाइज लैक ऑफ सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन होता है एडहॉक नेटवर्क में। तो इसलिए जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसका मेन गोल क्या होना चाहिए? इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोटोकॉल मस्ट बी स्केलेबल टू लार्ज नेटवर्क। अगर आपका 10 नोड का एडहॉक नेटवर्क है और 5 नोड और भी आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो जो प्रोटोकॉल होगा उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो उसको ऐड कर सके और सेम सर्विस वो प्रोवाइड कर सके जैसा वो 10 नोड के लिए प्रोवाइड कर रहा था। फिर आता है प्रोटोकॉल शुड प्रोवाइड टाइम सिंक्रोनाइजेशन एमंग नोड। तो टाइम सिंक्रोनाइजेशन कब रिक्वायर्ड होता है? जैसे जब आपको बैंडविड्थ रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तब हम टाइम सिंक्रोनाइजेशन आपको रिक्वायर्ड होता है, और जब आपका टाइम सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होगा तो आप क्वालिटी ऑफ सर्विस उस एडहॉक नेटवर्क में अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है प्रोटोकॉल शुड हैव मैकेनिज्म फॉर एडाप्टिव डेटा रेट कंट्रोल। तो एडाप्टिव डेटा रेट कंट्रोल की क्या मीनिंग है? द एबिलिटी टू कंट्रोल द रेट ऑफ आउट गोइंग ट्रैफिक फ्रॉम अ नोड आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन सच फैक्टर एज अ लोड इन द नेटवर्क। तो अगर नेटवर्क में जो हमारा आउट गोइंग ट्रैफिक है और ये हम कंसिडर कर सकें कि नेटवर्क में क्या लोड है, उस बेस पे हम जो है हम इस गोल की बात करते हैं, प्रोटोकॉल शुड हैव मैकेनिज्म फॉर एडॉप्टिव डेटा रेट कंट्रोल। और प्रोटोकॉल शुड हैव पावर कंट्रोल मैकेनिज्म। पावर कंट्रोल मैकेनिज्म क्यों होगा? ताकि एनर्जी जो है, एनर्जी कंजम्पशन आपका सही से हो सके। ठीक है, प्रोटोकॉल शुड मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। तो हिडन एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर रखा है कि जब कोई नोड जो है कोलिजन हिडन टर्मिनल के कारण हो रिसीवर एंड पे, तो हम उसको कहते हैं हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम में क्या होता है कि कोई एक नोड जो है एक ऐसे नोड का कारण बनता है जिसको आप ट्रांसफर डेटा करना चाहते हैं बट ट्रांसफर नहीं कर पाते, मतलब ब्लॉक हो जाता है। तो उसमें हमने एग्जांपल लिया था ए बी सी डी, जिसमें बी जो है ट्रांसमिट करता है और सी को एज्यूम होता है कि जो है ये रिसोर्सेज रिजर्व हैं, और सी डी को ट्रांसमिट नहीं कर पाता डेटा जबकि सी चाहता है कि डी को ट्रांसमिट कर सके। तो ये एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम था। तो जो अपना मैक प्रोटोकॉल हम डिज़ाइन करेंगे उसका एक गोल ये भी होना चाहिए कि जो मिनिमाइज कर सके हिडन और एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम को। और भी आपके गोल हैं, जैसे फेयर एलोकेशन ऑफ नेटवर्क, फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कह सकते हैं, और बैंडविड्थ। तो रिसोर्सेज में आपका बैंडविड्थ आ जाता है, तो इसका फेयर एलोकेशन होना चाहिए ताकि सारे नोड्स प्रॉपरली कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकें। तो दीज आर द बेसिक गोल ऑफ मैक प्रोटोकॉल। थैंक यू।